was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. So hey guys, welcome back to my new another vlog. Myself Aaliyah and you are watching the Aaliya's Vlog. So गाइज आज जो है हम लोग एक बीच को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है केलवा बीच। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर रीच कैसे होना है वो मैं बता देती हूँ। डहानू की ट्रेन लेनी है गाइज, आप लोगों को एक स्टेशन पहले उतरना है पालघर से, केलवार रोड नाम का रहेगा। वहाँ से गाइज आप लोगों को टमटम लेना है जो कि 30 रुपये चार्ज करेगा आप लोगों को ये बीच पे छोड़ने के लिए। जब आप लोग ये बीच पे आओगे तो गाइज आप लोगों को 5 रुपीज़ का एंट्री टिकट रहेगा, वो आप लोगों को देके अंदर आनी है, बट ये पर पर्सन का है, ठीक है गाइज। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स है जो कि मैंने एक्सप्लोर किए, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने छोटे से प्रीव्यू में भी दिखाया है। तो चलिए गाइज फटाफट से अभी इस ब्लॉग को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं विद आलियाज़ ब्लॉग। आप लोग बीच पे रीच होंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर गाइस 5 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे टिकट मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ पे जब आप लोग एंट्री करोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिधर आप लोग खा सकते हो, अच्छे से घूम सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी जो है थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो रहा है इधर, और अभी थोड़ा और आगे चलते हैं कि इस बीच पे और अच्छा क्या क्या है। ओके तो गाइज अभी थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। बाकी बीच बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है अभी से यहाँ पे। हाँ गाइज थोड़ा साफ सुथरा है, बस काफी ऊंचे लेवल पे ये ग्राउंड है, जो सामने देखोगे ना खाली पानी दिख रहा है, बीच काफी नीचे है रेत उसकी। हाँ जैसे कि गाइज आप लोग उधर सामने देख सकते हो। तो गाइज जब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और इधर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना वो सब मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊँगी। ओके ये देख सकते हो गाइज अभी जो है हम लोग बीच में एकदम एंटर कर चुके, एकदम आ गए। रेत देख सकते हो इतनी मस्त है, खूबसूरत है गाइज। उधर लेफ्ट साइड में भी अगर आप लोग देखोगे तो उधर ऊँट है जिसको इंग्लिश में कैमल बोलते हैं, और इधर हॉर्स राइडिंग है, इधर साइकिल वगैरह। तो चलिए गाइज एक एक करके हर एक सारी की सारी चीज़ों को हम लोग जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। मस्ट विजिट गाइज केलवा बीच जो कि बहुत खूबसूरत है। बस आप लोग जो है इसको शाम के टाइम पे अगर एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. ओके सो गाइज अभी जो है ना हम लोग बीच के यहाँ पर एकदम पहुँचे, और जैसे कि मेरे पीछे आप लोग ये बहुत सारे राइड्स देख सकते हो, कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है। और गाइज ये एक बार पीछे का नज़ारा देखो गाइज बीच का, इट्स सो फैबुलस। और गाइज यहाँ पे ना मैं आप लोगों को वो जो गो कार्टिंग टाइप की जो गाइज वो बाइक है उसका कॉस्ट था 150 रुपया, और गाइज घोड़ा गाड़ी की जो कॉस्ट का प्राइस है वो है 100 रुपीज़ में, जो कि आप लोगों को मेरे ख्याल से बीच में भी 5 मिनट तक आप लोगों को वो रुकाएगा ऐसे, जब आप बीच पे एकदम मिडल में जाओगे ना तभी। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं इस बीच को, अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में गाइज हम लोग एक आध राइड कर लेंगे। ओके तो चलिए गाइज अभी जो है मैं आप लोगों को एक सिनेमैटिक पूरा व्यू दिखाती हूँ इस बीच का। पीछे देख सकते हो ये है, इधर अभी हम लोग जाते हैं राइड के लिए, ठीक है। अभी हम लोग बैठेंगे इधर। 100 रुपया गाइस, 100 रुपया सीट एक पर्सन, नहीं सॉरी 2 पर्सन। Sure. गाइज हम लोग ने जो है ना अभी हॉर्स राइडिंग जो है ले ली है, ये बकेट वाली अपनी जो पीछे। कैसा लगा? बहुत मस्त, एक नंबर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज सो। और गाइज 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से ये बहुत रीजनेबल रेट है, तो अगर आप भी आना चाहो तो आप लोग आ सकते हो। ओके, और मस्ट विजिट दिस बीच। गाइज अभी हम लोग जाते हैं, ये जो पीछे वाला है ना कैमल वाला, इसको हम लोग गाइज अभी थोड़ा सा विजिट करते, मतलब इसके ऊपर थोड़ा ये राइड को हम लोग इंजॉय करते हैं। तो होता है, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको इसके ऊपर बैठ के राइड को ले सकते हो। यार तुम क्या कर रहे हो? बैठा हूं ना, वो ही लूंगा तो है। गाइस इसको देखो। अच्छा खासा जोकर है मेरे साथ में। अभी जो है हम लोग ने कैमल राइड ली है, आप लोगों को कैसा लगा? हाँ गाइज, उसकी वो जो पीछे खड़ी है ना, वो पीछे खड़ी है, खड़ा है, सागर नाम है गाइज उसका, सागर। कैसा लगा? हैशटैग सागर की राइड ली हमने। कैसा लगा बैठ के? बहुत अति उत्तम, बहुत मजा आया। बट लेकिन जब वो बैठता और खड़ा होता है ना तो ऐसा लगता है, हाँ गाइज तब तो थोड़ा सा डर लगता है। दिस इज ऑसम एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम कैमल राइड। यस गाइस, ये मेरा सेकंड टाइम। ये बेचारा नया है ना, अभी इस इंडस्ट्री में नया हो। झूले भी इसी ने झूला है सर, हर झूले इसी ने पहली बार, राइडिंग भी इसी ने कराई है। थैंक यू, से थैंक यू टू मी थैंक यू। गुड, वेरी गुड। तो गाइज अभी जो है हम लोग ने 2 राइड ली है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बीच आके ये अक्सा, चौपाटी, ये सब फेल है गाइज इसके आगे, सच में आप लोग भी मस्ट विजिट करना है इधर। और ये देख सकते हो गाइस, इधर बोट वगैरह भी सब स्टार्ट हो गई है। गाइस देख सकते हो कितना लेस क्राउडेड बीच है, ये बहुत अच्छा लगता है गाइस शाम के वक्त। और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को दोपहर से शाम हो गई है। व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और गाइज हमारे साथ में आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। किया है कि नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो गाइज अभी जो है हम लोग यहाँ से एग्जिट लेते हैं और चलते हैं अपने घर के लिए, ठीक है? और यहाँ से रिटर्न जाएंगे तो भी टमटम 30 रुपया लेगा, शेयरिंग है, और डायरेक्ट ऑटो मार्केट जाएंगे तो 100 रुपीज़ है। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल गई है, नहीं मिली तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक कर लेना। और गाइस कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो बिंदास। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।